इंसान अपने जीवन में अपनी जॉब को लेके, अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा कॉशियस होता है। वह हर पल यह सोचता है कि वो जिस नौकरी में भी रहे उसे मान सम्मान मिले, बहुत ज्यादा पावर उसके पास हो और उसको सोसाइटी में एक बहुत अच्छी नजर से देखा जाए, ताकि उसके ऊपर कोई शोषण ना करता, उसका कहीं ना कहीं एक ऐसा ओहदा हो जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर, इंडिया के पावरफुल पोस्ट के बारे में, जिन पे जाने के बाद कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा कि आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आपके पास कुछ पावर है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में दी जाती है। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एकेएम क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज मैं आपको ऐसे ही 5 पोस्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे देश में 3 चीजें हैं, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, विधायिका, और जुडिशरी, न्यायपालिका। दोस्तों, यही तीनों चीजें हैं, यही 3 अंग हैं कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट के, हमारी सरकार के, जो पूरे देश को चलाते हैं, और यही कहीं ना कहीं सिस्टम की जान होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही कुछ पोस्ट के बारे में, जिनके बारे में जान करके आप बहुत ज्यादा उत्तेजित होंगे और बहुत ज्यादा उत्साहित अपने आपको महसूस करेंगे, और इनमें जाने का आप भरसक प्रयास करेंगे। दोस्तों, 5वें नंबर पे जो मैंने पोस्ट रखी है, वह ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की रखी है जिसका नाम आप सभी कहीं ना कहीं सुनते होंगे, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ दोस्तों, ये एक CBI एक एजेंसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। अगर कोई भी इलीगलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, कोई भी मर्डर केस हाई प्रोफाइल होता है, कोई भी ऐसी जांच होती है जो बाकी एजेंसियां नहीं कर पाती, कोई भी केस CBI को ट्रांसफर किया जाता है, तो एक CBI इंस्पेक्टर की बहुत ज्यादा पावर होती है। ये एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। इसमें आप ऑल इंडिया जॉब करते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक पार्टिकुलर स्टेट की जांच करेंगे। कहीं भी आपको इंडिया में केस दिया जाएगा और उस केस को आपको सॉल्व करना होगा, आपके पास बहुत सारी अथॉरिटी होगी, बहुत सारी पावर होगी। आप कहीं भी जाकर के डेट डाल सकते हैं, आप कहीं भी जाकर के केस की जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पोस्ट पाने के लिए आपको SSC CGL स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपको CBI इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सैलरी की बात करें तो 63,000 प्लस आपकी सैलरी होती है, प्लस आपको अलाउंसेस मिलते हैं जिसमें कि आपको टेलीफोन चार्ज, आपका रेंट, ये सारी चीजें, और सिटी वाइज आपकी सैलरी वेरी भी करती है, जहां पर आप पोस्टेड होते हो उस हिसाब से सैलरी वेरी करती है। अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट की, जिसका दोस्तों नाम ही काफी है, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी जॉब है जो कहीं ना कहीं हर युवा पुलिस की वर्दी पहनना चाहता है, और एज एन IPS वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि इसके थ्रू आप प्रमोट होते होते पुलिस की सर्वोच्च पोस्ट, हाँ दोस्तों हाईएस्ट पोस्ट, DGP या कमिश्नर ऑफ पुलिस आप बन सकते हो, जो कि एक स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं हाईएस्ट पोस्ट होती है पुलिस की, और उसके माध्यम से आप IPS बनने के बाद इस पोस्ट पर आप जाते हो प्रमोट होते होते। दोस्तों, बात करें IPS की, तो आप IPS बनने के लिए UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को देते हो, जो कि इंडिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 0.1% से भी कम इसमें सिलेक्शन रेट का चांस होता है। दोस्तों, UPSC एक ऐसा एग्जाम है जो अपने आप में ही बहुत काफी नाम है इसका, और इसमें जाने के लिए सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री यानी स्ट्रीम होनी चाहिए। आप किसी भी साइड से हो, सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री है, आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो इसकी सैलरी 56,100 से लेकर के 2,25,000 तक आपकी सैलरी होती है, प्लस आपको अदर अलाउंसेस मिलते हैं। और आपको फैसिलिटीज की बात करें तो आपके पास एक व्हीकल मिलता है, गवर्नमेंट व्हीकल आपको मिलेगा, आपका एक प्यून रहेगा पर्सनल, क्विक कुक मिलेगा आपको, ड्राइवर मिलेगा, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज एक IPS को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। अब बात करते हैं तीसरी जॉब की, जो कि बहुत सारे युवाओं का सपना होता ही है, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दोस्तों, इस पोस्ट को ज्वाइन करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सर्व करते हो। अगर आप सेक्रेटरी बनते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो कहीं ना कहीं आपके पास हाईएस्ट पावर होती है। आप किसी भी मंत्रालय के सचिव होते हो तो आपको बहुत ज्यादा पावर प्रोवाइड की जाती है। और जब आप स्टेट में DM बनते हो, डिप्टी कलेक्टर आप रहते हो, DC जिसको बोलते हैं, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, ऐसी बहुत सारी पोस्ट इसके अंडर आती है, और आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आप सर्व कर पाते हो एज एन IAS ऑफिसर। बात करें इसकी पावर की, तो इसको डिसमिस करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही एक IAS को डिसमिस कर सकते हैं। बात करते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट के CM की, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफर कर सकता है कुछ समय के लिए आपको। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पावर मिलती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आपको ये पावर प्रोवाइड की जाती है।
बहुत ही पावरफुल जॉब है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी जॉब्स की जो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। जितने भी जॉब की मैंने बात की आपके ऊपर, सीबीआई इंस्पेक्टर हो, आईपीएस हो, आईएएस, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप सरकार के मुलाजिम हो, आपको सरकार के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। लेकिन बात करते हैं जब फ्रीडम की, तो दोस्तों वो आपको देती है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो बात करेंगे ऐसे ही दो पोस्ट की। तो दूसरा नंबर पर दोस्तों मैंने रखा है सिविल जज ग्रेड टू, जिसके लिए आपका स्टेट एग्जाम होता है, स्टेट जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होता है। अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से वैकेंसी निकाल करके इस एग्जाम को कराता है। बात करें इसकी पावर की, तो देखिए जुडिशरी पर किसी का भी जोर नहीं होता, चाहे कोई भी मंत्री नेता, ये सारे न्यायपालिका से डरते हैं, क्योंकि न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है। और जब भी संविधान को डिफाइन करने की बात आती है तो जुडिशरी ही ऐसा करती है। तो इस जॉब में आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, आप फ्रीली किसी को भी आप यहाँ पर पनिशमेंट दे सकते हो, पनिश कर सकते हो अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है। बात करें इसकी सैलरी की, तो 76,000 प्लस इसकी सैलरी आती है। प्रमोट होते होते आपकी सैलरी अपने आप बढ़ती है, और बैकल, टेलीफोन चार्ज, बंगला मिलता है सरकार की तरफ से, और आपके पास गनमैन होते हैं जो आपकी सिक्योरिटी करते हैं। बहुत ही बड़ी पोस्ट पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर होते हो। अब बात करते हैं टॉप लेवल की, जिसमें सबसे ज्यादा पावर आपको अगर देखने को मिलेगी तो वो है एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ दोस्तों, यही सारे जज जो होते हैं ये कहीं ना कहीं प्रमोट होके हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनते हैं, सीजीआई बनते हैं, जो कि ऐसी सबसे बड़ी पोस्ट है न्यायपालिका में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो आपको 7 इयर्स प्लस कम से कम सर्व करना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तब आप जा करके डीजे या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आप जज बन पाते हो। अब बात करते हैं इसकी पावर की, तो इसमें आप सबको कहीं ना कहीं पनिश कर सकते हैं, जो भी कल्प्रिट है, जो भी दोषी पाया जाता है उसको कहीं ना कहीं आप इसको पनिश कर सकते हो, डेथ पेनाल्टी आप दे सकते हो। आपके डिसीजन को हायर कोर्ट में ही चैलेंज किया सकता है, और कोई भी आपके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी होगा वो आपसे नीचे ही होगा। तो ये यहाँ पर आपको पॉलिटिकल प्रेशर देखने को नहीं मिलता है। और फैसिलिटीज की बात करें तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, आपका एक सेपरेट बंगला होगा, आपको गवर्नमेंट व्हीकल मिलेगी, गनमैन मिलेंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। बात करें सैलरी की, तो 1,18,000 प्लस से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है, अदर अलाउंसेस होते हैं, धीमे धीमे इसकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो पांच पोस्ट मैंने आपको बताई, इन पोस्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे। आपको किस पद पर जाना है, किस पोस्ट पर आप जाना चाहते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, अपने व्यूज को जरूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अब अमेजिंग डे अहेड।